सोलर वाटर हीटर एक इंसुलेटेड बॉक्स से बना होता है जो अंदर से ब्लैक पेंटेड होता है। इस बॉक्स में कॉपर वायर्स को कॉइल के रूप में फिट किया जाता है। ये कॉपर पाइप बाहर से भी ब्लैक पेंट किए जाते हैं। बॉक्स को एक ग्लास लिड से ढक दिया जाता है ताकि कन्वेक्टिव और रेडिएटिव हीट लॉस ना हो सके। पाइप के एंड्स को स्टोरेज टैंक से जोड़ दिया जाता है। ठंडा पानी स्टोरेज टैंक में नीचे से एंटर होता है और कॉपर ट्यूब्स में फ्लो करता रहता है। फिर सूरज से आने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन बॉक्स के अंदर ट्रांसफर हो जाती है जिससे कॉपर पाइप्स के अंदर का पानी गर्म हो जाता है। स्टोरेज टैंक में से थोड़ा पानी जो कि थोड़ा कम टेम्परेचर पर होता है कॉपर पाइप्स में नीचे फ्लो करता है और गर्म पानी स्टोरेज टैंक में फ्लो करता है। पानी का सर्कुलेशन ऐसे ही होता रहता है और इस प्रोसेस से जिससे पानी गर्म होता है उसे थर्मल सिंफन इफेक्ट कहते हैं। पानी आसानी से 60 से 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। अगर घर के यूज की बात की जाए तो 100 से 300 लीटर की कैपेसिटी वाले सोलर वाटर हीटर्स यूजफुल होते हैं। जो हम इलेक्ट्रिक हीटर यूज करते हैं उसके बजाय हम 100 लीटर की कैपेसिटी वाला सोलर हीटर यूज कर सकते हैं।